आज हम आपको जो समझाने वाले हैं वो समझाएंगे कि शोल्डर एंड आर्महोल कितना लेते हैं, क्योंकि हम सूट तो कट कर लेते हैं बट शोल्डर एंड आर्महोल कितना लिया जाता है वो ही समझ नहीं आता। तो सबसे पहले तो हम एक बार नॉर्मल से निशान लगा लेते हैं कि पहला निशान हमने 7.5 पे, दूसरा निशान हम जो स्टैंडर्ड साइज होता है 14 पे लगाते हैं, तीसरा हम लगाते हैं 21 पे, उसके बाद हम लगाते हैं लेंथ का। इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं, इनको हम सीधा कर देंगे यहाँ से। ये नीचे हमारा हो गया जो हमने फोल्ड करना है हिस्सा, वो इस तरीके से। तो अब हम जैसे कि ऊपर से फिटिंग के निशान लगा लेते हैं, मान लीजिए फिर हाँ हमने आपको डिटेल में समझा दिया हम फिटिंग किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से पहला निशान जो स्वेस्ट है वो ले लेते हैं 9.5 का, और यहाँ से हम एक निशान ले लेते हैं 7.5 का कमर का, और एक निशान हम ले लेते हैं यहाँ से 10 इंच का लगा कर, 9.5 का ही लगा के चलो आप इस तरीके से। तो ये हमने आइडिया से वैसे ही लिए कि इस तरीके से हम निशान ले लेते हैं। अब पर चेस्ट का और फुल चेस्ट के हम 2 निशान लेते हैं यहाँ से, तो हम साइज के अकॉर्डिंग इन निशानों को ऊपर मिला लेते हैं, क्योंकि फिटिंग में आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। हाँ तो ये हो गए आपके फिटिंग के निशान। एक बार सीधी लाइन और ड्रॉ कर देते हैं नीचे तक कि आपके इस तरीके से ये कुर्ती के निशान हो गए हैं। अब हमारा जो मेन काम रह गया वो रह गया हमने तीरा कितना लेना है। अब इनका जो नेक है, मान लो सभी नेक के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास हमारा शोल्डर है 15 इंच का, ठीक है, जो स्लीव्स के लिए फैब्रिक हमने लिया था वो दे दो मुझे। 15 इंच का हमारा शोल्डर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 15 इंच का शोल्डर है हमने बनाना है बोटनेक, जैसे मैंने पहना हुआ। तो बोटनेक इस तरीके से हम बनाएंगे, 15 इंच के हमारे शोल्डर है तो हम तीरा कितना लेंगे, तो हम तीरा लेंगे उनका 7.5, यानी के पूरा यू का यू, हमने कुछ भी कम ज्यादा इसमें नहीं करना है। अब मान लीजिए हमने इनका जो नेक है वो बनाना है बंद नेक, पैन नेक हमने बनाना है, तो ये इनके कॉलर वाला नेक भी जिसको आप बोल सकते हो। उसके लिए हम कैसे लेते हैं 1/2 इंच और एक्स्ट्रा, यहाँ से 15 था हमारा, 1/2 इंच और लेंगे मार्जिन का, बोट नेक में लेते हैं पूरी का पूरा, अगर बंद नेक आपका हो गया तो हम लेंगे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा। अच्छा ये जिक्र किस टॉपिक पे चल रहा है, ओनली बैक नेक के हिसाब से, फ्रंट नेक आपका कितना भी डीप हो कितना भी छोटा हो कोई मैटर नहीं, सिर्फ डीप नेक आपका बैक हो या फिर छोटा हो उस पे ही हम शोल्डर को कम ज्यादा करते हैं, ओनली बैक नेक के हिसाब से। तो हमने यहाँ से ले दिया ये 8 इंच, ठीक है, 2 नेक के बारे में समझ आ गया। बोट नेक हम कितना लेते हैं, जैसे कि यहाँ से 4.5 लेते हैं बोट नेक की चौड़ाई, और यहाँ से हम लेते हैं 4-4.5 इंच, ठीक है, तो इस तरीके से हम लेते हैं 3.5 भी ले लेते हैं बोट नेक को, और 4.5 भी ले लेते हैं यानी कि डेप्थ में लंबाई में। अब इसकी जो हम शेप देते हैं वो इस तरीके से देते हैं, यानी कि खड़ी सी शेप, ज्यादा अंदर डीप नहीं जाना, तो ये होता है हमारा बोट नेक। अब हमने क्या करना है, यानी कि जितना हमारा अगर यही हम 3.5 तक भी लेंगे ना, ऊपर की चौड़ाई तो रहेगी 4.5 बोट नेक में, लेकिन यहाँ की चौड़ाई लंबाई कम हो सकती है और खड़ी शेप ही हमें देनी पड़ेगी। अगर छोटा बच्चा है तो कम कर सकते हैं, वरना स्टैंडर्ड साइज यही होता है। उसके बाद अब ये समझो जैसे कि बोट नेक हो गया हमारा 4-4.5 इंच तक, तो इसमें हम यहाँ पे हम लेंगे 4.5 इंच तक, 4 इंच तक लगा के चलो मान लो, ठीक है, इस तरीके से समझाते हैं कि 4 इंच तक हमने
शोल्डर लेना है पूरा का पूरा। अब हमने मान लीजिए 5 इंच का नेक करना है, यहाँ से हम अब हम नीचे जो मापेंगे ना बोट नेक की ही चौड़ाई इतनी होती है, जितने भी डीप नेक जाते जाएंगे ये चौड़ाई नेक की भी कम होती जाएगी। यहाँ से ज़्यादा साइज कितना होता है, 3 का 3.25 का 3.75 का या 2.5 का या 2 का, 3 से ऊपर 3.25 से ऊपर नहीं लेते हम डीप नेक के लिए, ये सिर्फ बोट नेक में ही इतनी चौड़ाई लेते हैं। अब हमने मान लो किसी का भी नेक हम कट करते हैं, यहाँ से लगा के चलते हैं इस तरीके से, हम कोई भी नेक कट करेंगे वो तो कट करेंगे इसी तरीके से स्क्वायर बना के। अब जो भी नेक हम कट करेंगे ना यहाँ से राउंड इस तरीके से देखते चलेंगे, अब ये हो गया हमारा 5 इंच का, तो यहाँ से हम 2-3 पॉइंट कम कर देंगे, 2 पॉइंट कम कर देंगे। फिर हमने 1 इंच और बढ़ा दिया, यानी कि हमारा नेक हो गया 6 इंच का, हमने एक बार और पॉइंट कम करना है। हाँ, अब जैसे कि ये है ना, ये तो हमारा एक्स्ट्रा है, जो मेन लाइन है हमारी वो ये है, ये वाली, ठीक है, जो 7.5 की लाइन है उसको मत देखना, वो पैन नेक के हिसाब की है, तो हमने कम कर दिया। अब हमने 7 इंच का नेक बनाना है मान, तो हम इस तरीके से राउंड तो ऐसे ही देते चलेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट फिर कम कर देंगे। फिर हमने 8 इंच का नेक बनाना है, यहाँ से फिर से 2 पॉइंट कम कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक और ध्यान रखना, इस निशान से 2 इंच तक ही माइनस करना है, 2 इंच से ज़्यादा इधर नहीं आना, चाहे कितना भी बड़ा नेक करते जाओगे 2 इंच से इधर नहीं आना। अब हमने मान लो 9 इंच का नेक करना है यहाँ से, तो आपने 2 पॉइंट और कर दिए। फिर आपने 10 इंच का नेक करना है, तो आपने ये पॉइंट और कम कर देना, यहाँ तक आपका हो गया 2 इंच कम, इस लाइन से इस लाइन तक। अब मान लो आपने करना है 11 इंच का नेक, क्योंकि पहनने वाले पहनते हैं, ठीक है, इतना भी पहनते हैं, तो 11 इंच का अगर नेक कट कर रहे हो ना, तो शोल्डर आपने इतना ही लेना है, अब इससे आगे इधर नहीं आना, चाहे कितना भी, चाहे 12 का भी पहन लो, चाहे ये जो मैंने डाल रखा इस तरीके का बिल्कुल ही कदम, तो इस तरीके का भी नेक पहनोगे तो आपने शोल्डर इतना ही लेना, अब और ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं आना, ठीक है। तो सारा सब कुछ नेक के हिसाब से होता है, तो 13 आपको लेना आ गया। अब जैसे कि मान लो आपका 9-10 से ऊपर का नेक हो ना, कि आपको एक बार याद करनी पड़ेगी ये चीज़ें, आप सभी चार्ट बना बना के करके देखना, 9-10 से ऊपर का जितना भी नेक है आप डायरेक्ट मान लो आपका चाहे कितना भी उसमें से 2 इंच कम करें, अगर 9-10 से ऊपर का है, अगर 4 इंच तक का है, 4.5-5 इंच तक का है, तो जितना शोल्डर है उतना ही ले लेना। अगर बीच का है, यानी कि 6-7 इंच तक का नेक है आपका, तो आप 1/2 इंच कम कर लेना, 8-9 तक का है तो 1 इंच कम कर देना शोल्डर में से, और ऊपर जितना होता जाए उसी तरीके से किसी में 1.5 इंच कम कर देना, बस ऐसे। मान लो कि हमारा जो नेक है इस तरीके से 7 इंच का है, 7 इंच में तो नॉर्मल हमने थोड़ा ही कम करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 या 0.25 इंच। अगर मान लो 8 इंच का है तो हम सीधा 1.5 इंच भी कम कर सकते हैं, 7.5 ये था तो 6 इंच का हम शोल्डर ले सकते हैं, ठीक है, 8-9 इंच का अगर नेक लगे, इस तरीके से हम नेक लेते हैं। 9-10 से ऊपर जितना भी नेक होता है डायरेक्ट सीधा ही 2 इंच कम कर देना ऊपर, फिर आपने पॉइंट कर करके नेक देख लेते हैं। तो एक बार जब आपको ये समझ आ गया ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो शोल्डर आप सबको लेना आ गया, कैसे लेते हैं अब ये देखो, आर्म होल कि आर्म होल किस तरीके से लेते हैं, जितना हमारा नेक की बात कर रही हूँ, बैक नेक की, जितना हमारा बैक नेक बड़ा होएगा हमारा आर्म होल छोटा होएगा, जितना बड़ा ये नेक हो गया उतना ही आर्म होल छोटा होएगा, जितना हमारा नेक छोटा होएगा उतना ही हमारा आर्म होल बड़ा होएगा, अगर नेक बिल्कुल ही बैन कॉलर का हो गया तो और भी बड़ा होएगा 1/2 इंच और नीचे, जो नॉर्मल साइज है उससे, नॉर्मल साइज हमारा कितना होता है 0.75, तो जो जितना नेक बड़ा होता जा रहा है उतना ही ये कम होता जा रहा है, ठीक है, यहाँ से, और जितना भी हमारा नेक छोटा होता जा रहा है उतना ही ये चीज़ बड़ी होती जा रही है, बस ये ध्यान रखना है। अब आपने मतलब ये क्यों कर रहे हो इतना छोटा बड़ा इस तरीके से,
अब मान लीजिए जैसे हमारा नेक है 11 इंच का, हमने शोल्डर लिया इतना ही, सारा सब कुछ जितना घटाना था उतना घटा दिया, 5.5 ही बच गया, 5.5 हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये चीज भी हमने छोटी लेनी होगी, इतना बड़ा शोल्डर हमारा हो गया, तो हम यहाँ से 6.25 तक, 6 इंच तक ही ये लाइन खींचेंगे, मान लीजिए इतना, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो छोटा हो चुका है। मुझे ये चोक चाहिए भी पिंक कलर का। तो यहाँ से जैसे हमारा नेक छोटा हो चुका, एक तो राउंड शेप हम देते हैं, जो मेन लाइन थी कौन सी हमारी, ये थी, है ना, जो बोट नेक हम बना रहे थे, तो एक तो लाइन थी हमारी ये, एक तो राउंड दे देते हैं हम इसी फिटिंग के हिसाब से, हमारी फिटिंग कौन सी है, ये, यहाँ से हम राउंड देंगे इसको, ठीक है, और एक इसको राउंड दे देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि इसका राउंड इतना ऊपर चला गया, इसका देखो कितना नीचे चला गया, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने इसको माप के देखना है, यहाँ से आप 8.25 के करीब, यहाँ से भी हम माप के देखेंगे 8.25 के करीब, ठीक है। तो हमने जब इस तरीके से साइज लिया तभी आर्म होल इक्वल आया। अगर मान लो हम ले रहे हैं इतना बड़ा नेक और हम शोल्डर छोटा हा ले रहे हैं, अगर हमने तीरा इस पे से ही ले दिया ना, इसी लाइन से इतना नीचे से, तो उसका रीजन बताते हैं आपको कितना होएगा। जैसे कि इसी लाइन से हम ये ले रहे हैं, यानी कि राउंड हमारा यहाँ से हो गया और इस तरीके से ले रहे हैं, अब देखना आप कितना बढ़ जाएगा। दोनों में उसमें 7.5 आया था, अब इसमें देखो आप, हमने आर्म होल की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी कर दी, ठीक है ना, हाँ इस तरीके से। तो आपने क्या चीज देखनी होगी, अगर आपका ये जो हिस्सा है ये अगर छोटा हो गया, अगर आपने ये चीज लंबी ले दी, आपको आर्म होल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से छोटी करोगे जब भी नॉर्मल रहेगा, अगर आपने ये चीज ले रखी है जोड़ी, यहाँ से छोटा सा नेक बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, अगर आपने ये चीज छोटी कर दी यहाँ से तो बिल्कुल ही फंस जाएगा, क्योंकि आपकी एक चीज और बताती इसमें, जो ये हिस्सा है ना, अब यहाँ से हम इस तरीके से मिलाते हैं राउंड में, थोड़ा मैं दूसरी तरफ निशान लगा के दिखाई है ऐसे, कि कई बार ये भी होता है ना, ये तो आपको अब थोड़ा सा क्लीन हो गया कि जितना छोटा नेक होएगा उतना ही हमने ये नीचे लेना है, जितना बड़ा नेक होएगा उतना ही हमें ऊपर लेना, छोटा लेना है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गई, ये भी हो गई। आप इसको कई बार ये भी बोल देते हो, अगर हम यहाँ से इतना कम ले रहे हैं तो ये यहाँ से खींचेगा, है ना, पहली बात तो ये इसलिए नहीं खींचेगा, आपका नेक बड़ा हो गया वो एडजस्ट कर लेगा, छोटा नेक होता तो वो खींचता, लेकिन पहला तो इसलिए नहीं खींचेगा। दूसरा, हाँ जैसे कि आपने जब ये यहाँ से शेप देते हैं हम राउंड शेप की, किस तरीके से देंगे, जितना ये चेस्ट का निशान है इसको और इसको मापेंगे, इसको और इसको निशान को, तो 4 हो गया हमारा, 2 इंच पे हम निशान लगा देंगे, इसका हाफ, इसको हम इसके साथ मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, जो भी नेक डीप हो, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझोगे तब जाके समझ आएगा, नेक जब डीप होएगा ना तो हमारा जो शोल्डर है वो छोटा हो गया है, तो यहाँ से हमने राउंड देना है इसका, नीचे वाली लाइन से नहीं, यहाँ से देने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बैक का हिस्सा और ये हो गया इसका फ्रंट का हिस्सा, ठीक है। अगर हम अब इसमें दे रहे हैं, ये निशान थोड़े से मैं उधर लगा के समझाना चाहूंगी आपको, ये मतलब जैसे हम अपने कटिंग करते हैं तो ये वाली शेप देते हैं जी, लेकिन अगर इस हिसाब से देते हैं थोड़ा सा ये एक निशान यहाँ से पिंक वाला उठाते छोटे वाले में, और जो ये निशान आपका हो गया 7.5 में इस तरीके से, ठीक है। तो इस लाइन को हम ब्लू के साथ मिलाएंगे, ये तो हो गया हमारा बॉटम का, ठीक है, और ये हो गया हमारा जो डीप नेक है उसका, ठीक है, समझ आ रहा है।
अब इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, मान लो इनकी चेस्ट हो आपने 9.5 का निशान लगा दिया, यानी कि जिसकी जितनी है उस हिसाब से आप देख लेना। और 9.5 का तो हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि चेस्ट तो उतनी है, नेक ही बस कम ज्यादा हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से पहले इस जो बॉटनेक है उसके हिसाब से समझाते हैं, यानी कि इस लाइन से। तो हमने जो राउंड देना है वो हम देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने ये राउंड कैसे दिया वो एक्सप्लेन करते हैं, कैसे देते हैं हम राउंड अगर आपको अच्छे से ना देना है तो। ये जो हमारा गैप हो गया ना बटेक से और इस लाइन का, उसको माप लेंगे, वो उसके बीच का हो गया 1 इंच। इसको हम इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। अब जब हम राउंड देते हैं ना तो यहाँ से देते हैं। अब अगर आप चाहो तो इस लाइन से थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लो, वरना आप इस लाइन के बिल्कुल ऊपर से ले लो ना तो भी आपका गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप यू का यू रख सकते हो, बिल्कुल यू का यू, मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन आप तो ये लाइन खींच रहे हो आइडिया के लिए खींच रहे हो इस राउंड को देने के लिए, तो उसको हल्का सा अंदर की तरफ दे देना ये राउंड, ठीक है। तो इसका आपको समझ आ गया। अब हमने देना है बैक नेक बीट के हिसाब से, तो हम कैसे देंगे फिर से, क्योंकि अगर ऐसे बिल्कुल कॉर्नर में देंगे तो फंसेगा वो, क्योंकि इतना सा हो गया। दूसरा आपने एक टॉपिक और उठाया था कि फ्रंट का जो हम साइज लेते हैं वो कहाँ काम आता है, वो अब काम आता है कि जिसका मान लो 11.5 है या किसी का कुछ भी है यहाँ से, तो हम साइज कहाँ से लेते हैं, ऊपर से नीचे 3-3.5 इंच की दूरी पे लेते हैं वो साइज। तो इतना ही हम नीचे 4 इंच की दूरी पे लेंगे कम से कम, और यहाँ से देखेंगे अगर किसी का मान लो 11 इंच है तो 5.5 तो यहाँ पे होना ही होना चाहिए। अगर ज्यादा है 12 इंच है तो यहाँ पे चाहे नेक कितना भी डीप कैसे बना रहे हो वो उसके हिसाब से थोड़ा सेट हो जाता है, लेकिन उतना जितना आपने मापा उतना यहाँ पे होना ही चाहिए। तो वो कैसे होएगा, अब हमने इसका भी राउंड देना, ये कितना हो गया हमारा टोटल 4। तो 4 का हाफ होता है 2, लेकिन नेक डीप है तो उसमें 1/2 इंच और अंदर की तरफ लेंगे, नेक डीप है तो इधर की तरफ लेंगे थोड़ा सा। ये आपको कई दिन में समझ आएगी, बहुत ज्यादा ही डीप में जाने वाला काम है। तो इसमें हम आपको और क्या चाहते थे, यही चाहते थे कि मेथड समझाएंगे। यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हमने इसको राउंड देना है, राउंड हम कहाँ से देंगे, फिटिंग तो हमारी यही है, इसी पे से लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया डीप नेक वाला। अब हमने क्या किया, बिल्कुल सेम उसी लाइन पे मिला दिया, वैसे ही हम यहाँ पे कह रहे थे बिल्कुल सेम लाइन पे आप मिला सकते हो, कोई गलत, ठीक है। अंदर में कहाँ लेना चाहो आप ले सकते हो। तो अब आपका मान लो अगर आपने देखना है ना, हमने फ्रंट की चटाई भी करनी होती है, अब इसकी फ्रंट की चटाई हम यहाँ से करेंगे कुछ, ये तो हो गया हमारा जो नेक डीप है उसकी, और इसकी हम फ्रंट की चटाई करेंगे। मान लो हमारा शोल्डर इतना बड़ा है यहाँ से, तो इसकी हम कहाँ से गया, मान लो ये यहाँ से इस तरीके से योग, ठीक है। ये डीप नेक का देखो कितना नीचे चला गया है, कितना ऊंचाया है, लेकिन चीज वहीं पे जाके रही। अगर मान लो आप इस चीज को यहाँ पे मिलाते बहुत ही लंबा आराम हो जाता, तो यहाँ से जैसे कि जितना भी जिस तरीके से आप रखोगे आर्म होल बस वैसे ही जाना होता है, तो आपको आर्म होल भी लेना थोड़ा सा समझ आया, एकदम से कैच नहीं कर पाओगे, बहुत ही डीप वाली चीज होती है। तो बस ये याद रख लेना, नेक छोटा है तो ये चीज लंबी लेनी है, हाँ वो पीछे हाँ इसमें भी ऐसे, ठीक है। बस एक बात याद रखना, जितना नेक बड़ा है उतना ही हमें ये छोटा लेना होगा, जितना नेक हमारा बड़ा है यानी कि जितना नेक हमारा छोटा है उतना ही हमें ये नीचे लेना होगा, ठीक है। ये क्लियर कर लेना, ऐसे ही इसमें जितना नेक आपका बड़ा है उतना ये चीज छोटी लेनी पड़ेगी, जितना नेक आपका छोटा सा है ये चीज बड़ी लेनी पड़ेगी। ये फिटिंग पर ये ना, अच्छा अब यहाँ तक भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया।
एक हम डाउन शेप देते हैं कि वो डाउन कैसे देते हैं, तो वो हम देते हैं यहाँ पे, किसी में हाफ भी दे देते हैं, किसी में एक इंच भी दे देते हैं। तो हम जैसे कि मान लो आपने जितना भी छोटा मतलब नेक इतना बड़ा है किसी का, ठीक है, उसमें हम शेप देंगे बिल्कुल ही कम डाउन, मान लो क्योंकि उसका छोटा यहाँ तक नहीं, किसी का नेक है मान लो बिल्कुल ही बंद, यानी कि बैन नेक बनाना है, ठीक है, तो ऐसे है मान लो, तो ये शोल्डर भी उसका फिर बड़ा हो गया, तो उसमें हम इतनी कम से कम एक इंच की, यहाँ से एक इंच की डाउन देंगे। नेक छोटा है तो डाउन ज़्यादा, बड़ा नेक है तो डाउन कम कम। अच्छा, जब आपने इस पे डाउन इतना दे दिया ना, तो बैक वाले हिस्से पे आप डाउन सेम दोगे, मीन्स जितना आपने आपके डाउन दिया है इस तरीके से, अगर यहाँ पे डाउन आपका इतना लंबा आ गया ना, तो पीछे वाले पे सेम डाउन होना चाहिए इस तरीके से, ऊपर तक यहाँ तक आपका नेक है, पीछे सेम इतना ही होना चाहिए, जितना आप नीचे फ्रंट वाले को झुकाओगे बैक से उतना ही उठना चाहिए, जो मैंने कल बताया था कि किस तरीके से हम उठाते हैं, हमारा नेक पीछे की तरफ होना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ सबको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आता, हमारा कंधा ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं होता, तिरछा ही होता हमारा कंधा, यहाँ से कभी देखोगे ना ऐसे होता हमारा, डमी पे देखना कभी, उस पे समझ आएगा, डमी बिल्कुल ऐसे होती है, ठीक है ना। तो आप देखो उनका देखो कितना तिरछा है, ऐसे ही होता हमारा कंधा, अब जब देखते हैं ना वही दूसरे की तरफ देखना, फिर चाहिए फिर जैसे जैसे होते हैं, और वो यहाँ पे ना मतलब जब यहाँ से फिटिंग करते हैं कोना से बन जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। नहीं नहीं, कहाँ कोना बनता है, ये राउंड वाली पट्टी रखा करो और इसके साथ सेप दिया करो, ये कम हो जाती है जैसे वो, तो फिर ऐसे एक्स्ट्रा लेके फिर सिलाई देनी पड़ती है। एक मैंने ये बोला जिसका भी टमी है तो उसका भी साइज लिया करो, ठीक है।